आपको खबर तो मिल चुकी होगी, इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन लैंड हुआ। टीम हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। 10-12 हॉस्टेजेस के जान लेना तुमके लिए बड़ा बात नहीं है। ये सब मामले डिप्लोमेसी से हल किया जाता है। Our officials will handle. क्यों फिल्म के लिए एक्साइटेड है जॉन इब्राहिम? कितनी फिल्में हैं जॉन की झोली में? क्यों अलग है जॉन की ये फिल्म? हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुरभि गुप्ता, और ये रही आप सभी के लिए आज की बॉलीवुड की खबर। मॉडलिंग करियर से शुरुआत करने वाले जॉन ने कभी सोचा नहीं होगा कि बॉलीवुड में आते ही वो धूम मचा देंगे। जॉन इब्राहिम ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मॉडलिंग के जरिए अपने कदम रखे थे, और फिर देखते ही देखते वो बॉलीवुड में एक प्रॉमिसिंग हीरो के रूप में उभर कर आए। जॉन इब्राहिम को किलिंग लुक्स के साथ साथ उनके एक्शन, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान और उनके बाइक्स की कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में जॉन की फिल्म एक था विलन बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर बावजूद इसके जॉन की झोली में कई अच्छी मूवीज हैं। फिलहाल उनकी झोली में अभी 4 कंसेक्यूटिव फिल्म्स हैं, और जॉन भी इन प्रोजेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं। अपकमिंग फिल्म तेहरान के बारे में उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म में वो तरह तरह की भाषा बोलते नजर आएंगे, जिसे सीखने के लिए तैयारी जॉन ने शुरू कर दी है, तो न्यू लैंग्वेज सीखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और एक्साइटिंग भी है, और एक न्यू एक्सपीरियंस भी है उनके लिए। आपको बता दें कि फिल्म का टाइटल तेहरान ईरान की राजधानी है, और ये फिल्म भी तेहरान यानी ईरान के बॉर्डर को लेकर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट और इस कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुए वॉर के सिचुएशन के बारे में है, कि कैसे एक जमीनी टुकड़े के लिए देश एक दूसरे को मिटाने में, मिट्टी में मिलाने में तैयार हो जाता है। साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके और टोटके आजमाता है। ये फिल्म इन्हीं हालातों की सच्ची कहानियों को बड़े पर्दे पर डिपेक्ट करने वाला है। जॉन इब्राहिम ईरान में इसके लिए शूट करेंगे, और ईरान में शूटिंग करने वाले वो पहले इंडियन एक्टर होंगे। फिल्म की कहानी से लेकर लोकेशन दोनों ही काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग होने वाली है, और जॉन भी शायद इसीलिए अपनी इस मूवी को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और बॉर्डर के लिए हुए युद्ध को लेकर पहले भी कई फिल्में बनी हैं, पर सभी के सभी एक देशभक्ति फिल्म ही होती थी, जबकि ये फिल्म बिल्कुल अलग होने वाली है। अपने न्यू कंटेंट और आइडिया के साथ क्या ये फिल्म हो पाएगी हिट? क्या आप देखना पसंद करेंगे जॉन के इस फिल्म को? अपने ओपिनियंस हम सबको नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।